ललितपुर जनपद के महरौनी ब्लॉक के प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय के छत से बिजली के तार लटक रहे हैं। स्कूल द्वारा प्रशासन को विगत 10 वर्षों से कई बार अवगत कराने के बावजूद भी इस बेहद संवेदनशील मसले पर प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे रत्ना सहित दोनों स्कूलों के 300 बच्चे अपनी जान हथेली पर लेकर दहशत भरे माहौल में पढ़ने को मजबूर हैं। हमारे विद्यालय से 5 फीट ऊंचाई पर कुछ तार हैं जो हम लोग खेलते हैं और व्यायाम करते हैं, तो हम लोगों को मौत का अंदेशा रहता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उन विद्युत के तारों को कहीं और कर दिया जाए, ताकि हम लोग अच्छी तरह से खेल सके, व्यायाम कर सके। ये इस विद्यालय में हाई टेंशन बिजली के जो तार हैं, ये हाथ छत के ऊपर से लटकते हुए हैं, और इन तारों को हटवाने के लिए कई बार मंगल दिवस में प्रार्थना पत्र दिया गया विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से, और खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने जिलाधिकारी को, उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया, विद्युत विभाग के आला अधिकारियों को भी समस्या से अवगत कराया, लेकिन ये समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। और ये जब बच्चे हमारे प्रातःकाल व्यायाम करते हैं, खेलते हैं, उस समय जो है इन तारों के टूटने का सदैव भय बना रहता है। स्थिति में हमारे विद्यालय में जो 150 बच्चे हैं और सामने जो प्राइमरी में जो 150 बच्चे हैं, लगभग 300 बच्चे इस प्रांगण में प्रतिदिन खेलते हैं सुबह शाम और दोपहर में लंच के समय पे, तो ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से कि अविलंब इन तारों को जो छत पे से लटक रहे हैं, इनको हटवा करके इनकी कहीं और जाने की व्यवस्था की जाए। मैं और मेरा समुदाय यह चाहता है कि इस समस्या का अविलंब समाधान हो। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग महरौनी के SDM के मोबाइल नंबर 73-98-26-28-33 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं, जिससे इस स्कूल की समस्या दूर हो। मैं शंकरलाल, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहर्ड के लिए।